Now our topic is formation of interstitial compounds. अब interstitial compounds का मतलब क्या होता है? याद रखो, transition metals crystallizes in various crystal structures like HCP, BCC, उसके बाद FCC, अलग-अलग crystal structures में वो पाए जाते हैं। अब जो interstitial positions है crystal lattice के अंदर, उन इंटरस्टिशियल पोजीशंस में स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अगर ये ट्रैप होते हैं तो उनके ट्रैपिंग के वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, सो व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन and hydrogen are trapped within the interstitial spaces of crystal lattice, then interstitial compounds are formed या फिर obtained, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये चीज याद रखो। अब कभी कभार क्या होता है, interstitial spaces में sulfides और oxide भी trap हो जाते हैं। Sometimes sulfides and oxides are also trapped, याद रखो। So sometimes sulfides or oxides are also trapped in interstitial spaces of crystal lattice of d block elements। अब दूसरी बात, अब इनके examples हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि interstitial compounds का better example steel हो गया, cast iron हो गया, these are the interstitial compounds of carbon and iron, याद रखें। So for example steel and cast iron are examples of interstitial compounds of carbon and iron। iron और carbon दोनों का interstitial compound जो है, उनके examples हम लोग दे सकते हैं, steel, cast iron। अब इसमें होता क्या है कि कार्बन के प्रेजेंट होने के वजह से, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मेलियबिलिटी एंड डक्टिलिटी डिक्रीजेस, यानी प्योर आयरन की मेलियबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब उसमें कार्बन के एटम्स इंटरस्टिशियल पोजीशन में ट्रैप हो तो मेलियबिलिटी और डक्टिलिटी कम होती है, लेकिन टेनेसिटी जो है वो बढ़ती है, याद रखना। सो due to presence of carbon, malleability and ductility decreases, but tenacity increases, tenacity बढ़ता है, लेकिन मेलियबिलिटी और डक्टिलिटी घटता है, और वो कार्बन के वजह से है, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू व्हाट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो अगला कार्यक्रम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के
प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर क्वाइट हार्ड एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना। सो दीज आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो बहुत अच्छे कंडक्टर होते, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेंट मेटल जैसे ही होते हैं, याद रखना। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू पैरेंट मेटल, यानी पैरेंट मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होने चाहिए वही केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड में भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की करें, तो प्योर मेटल के मुकाबले इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। सो याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन दोज ऑफ पैरेंट मेटल, यानी जो प्योर मेटल है उसके मुकाबले इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रिकॉर्ड होता है। डेंसिटी जो है वो कम होती है, याद रखना। सो देयर डेंसिटी, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो डेंसिटी है, देयर डेंसिटीज आर लेसर, यानी प्योर मेटल के मुकाबले इंटरस्टिशियल कंपाउंड की डेंसिटी जो है वो कम होती है, ये चीज याद रखो। अब बात करेंगे कार्बाइड की, मेटालिक कार्बाइड। मेटालिक कार्बाइड एक्सेप्शनली हार्ड होता है, डायमंड के बराबर, और केमिकली इनर्ट होता है, याद रखें। सो मेटालिक कार्बाइड्स, कार्बाइड्स आर वेरी हार्ड एंड केमिकली इनर्ट, यानी इनका केमिकल रिएक्टिविटी आप देखें तो हमें महसूस होगा ये इनर्ट होते हैं, यानी कम रिएक्टिव होते हैं। अब बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स की। ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, याद रखो। सो मेटल हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।